हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और दुआ करता हूँ आगे भी आप अच्छे रहेंगे। दोस्तों, नोट से 2021 एग्जाम 20 नवंबर को है और एम्स का एक फेवरेट टॉपिक ईसीजी, इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। एक एम्स के एग्जाम के अंदर ईसीजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं, यानी आप ऑलमोस्ट ये सोच सकते हैं कि एम्स एग्जाम ले रहा है और ईसीजी का क्वेश्चन ना दे, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। ईसीजी का आपको डायग्राम दे दिया जाता है और उसमें आपको डायग्नोस करने के लिए बोला जाता है, या फिर उसके अंदर कोई क्लिनिकल फाइंडिंग होती है उसको कोरिलेट करने के लिए या फिर देखने के लिए बोला जाता है। इस तरीके के वहां पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे अपन एम्स के कुछ फेवरेट क्वेश्चंस, यानी जो क्वेश्चंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को डिटेल से यहाँ डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ यदि एंड तक आप इस वीडियो में बने रहते हैं तो ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर बहुत ही ज्यादा बेनिफिट दिलवाएंगे। ओके, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन बोल रहा है, हार्ट रेट ऑफ द गिवन ईसीजी इज। दोस्तों यहां पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है और इस डायग्राम के अंदर पूछा गया है कि ईसीजी के द्वारा आपको हार्ट रेट निकालनी है। देखो, एम्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस है और इसका तरीका अपने को ढूंढना है। देखो, क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी मिल सकता है, आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट यहाँ पे अपन समझेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई ईसीजी पैटर्न दे दिया जाता है तो वहां पे आप उसका हार्ट रेट कैसे निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है 55, ऑप्शन बी बोल रहा है 65, ऑप्शन सी बोल रहा है 75 एंड ऑप्शन डी बोल रहा है 85। दोस्तों आज अपन समझेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कि हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसके दो तरीके हैं, आप एक सिंपली मैं आपको बता रहा हूं। देखो यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये एक तरीके से मैं बताऊं तो ये पी वेव होती है, ये यहाँ पे क्यू वेव होती है, यहाँ पे आर वेव होती है, यहाँ पे एस होता है, यहाँ पे टी वेव होती है। ये एक प्रकार से ईसीजी पैटर्न होता है। इसके अंदर आपको देखेंगे कि ऊपर पीक तक जो जा रही है ये सारी की सारी क्या है, आर वेव है। तो दोस्तों जो आर वेव होती है, इस आर वेव के बिटवीन, यानी एक आर वेव से दूसरी आर वेव के बिटवीन, यहाँ पे आपको कुछ बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। और एक तो लार्ज बॉक्स होता है, जैसे ये वाला जो बॉक्स है इसको अपन बोलते हैं लार्ज बॉक्स, और इस लार्ज बॉक्स के अंदर फाइव स्मॉल बॉक्स होते हैं। यदि अपन बात करें कि एक लार्ज बॉक्स होता है, इसके अंदर फाइव स्मॉल बॉक्स होते हैं, स्मॉल बॉक्स होते हैं। यहां पे अपन ईसीजी के अंदर हार्ट रेट कैलकुलेशन को समझेंगे। इसी से आपको यहां पे देखना है कि एक आर वेव से दूसरी आर वेव के बिटवीन जो लार्ज बॉक्स है वो कितने हैं। यदि अपन इस आर वेव से इस आर वेव के बिटवीन बात करें तो 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ पे कितने हैं, 4 लार्ज बॉक्स है। यहाँ पे अपन बात करेंगे तो 4 लार्ज बॉक्स है। और यदि अपन स्मॉल बॉक्स की बात करें तो एक लार्ज बॉक्स के बिटवीन या फिर एक लार्ज बॉक्स के अंदर 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। तो एक तरीके से अपन बात कर सकते हैं कि 5 × 4 यानी 20 स्मॉल बॉक्स है इसके अंदर। 20 क्या है, स्मॉल बॉक्स है। अब हार्ट रेट निकालने के दो तरीके हैं, आप लार्ज बॉक्स से भी निकाल सकते हैं और स्मॉल बॉक्स से भी निकाल सकते हैं। यदि लार्ज बॉक्स से निकालना है तो 300 से आपको जितने लार्ज बॉक्स है उससे मल्टीप्लाई कर देना है, और यदि स्मॉल बॉक्स से निकालना है तो 1500 यानी 1500 को अपने को डिवाइड कर देना है 20 से। ओके, यहाँ पे 20 से डिवाइड कर देंगे यानी जितने स्मॉल बॉक्स है। यदि 300 के अंदर अपन 4 का भाग देंगे यानी उसको डिवाइड करेंगे तो 75 आता है, और यदि 1500 के अंदर अपन 20 का भाग देते हैं या उससे अपन उसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे भी 75 आता है। दोस्तों ये क्या हो गई यहाँ पे, इसकी ये इसकी हार्ट रेट हो गई। क्या हो गई, ये हार्ट रेट होगी। आप किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होता है, यहाँ पे ऑप्शन सी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होता है। तो आशा करता हूं आगे से आपका हार्ट रेट निकालने का जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। किसी भी प्रकार से आपको ईसीजी पैटर्न दे दिया जाता है, रेगुलर ईसीजी पैटर्न। देखो, रेगुलर ईसीजी पैटर्न और इरेगुलर ईसीजी पैटर्न होता है तो उसका हार्ट रेट निकालने का जो जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। बट आपको ज्यादातर या फिर बोले कि एम्स जो क्वेश्चन पूछता है वो रेगुलर ईसीजी का पूछता है। यदि अपन किसी दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि इरेगुलर ईसीजी का अपन हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कि इस क्वेश्चन में आपको रेगुलर ईसीजी पैटर्न दिया गया है। रेगुलर का मीन्स होता है कि जो आर वेव है, उनके बिटवीन जो स्पेस है वो बराबर है। एक आर वेव से दूसरी आर वेव है उसके बिटवीन जो ड्यूरेशन है वो सेम है, यहाँ पे सेम है। इरेगुलर के अंदर क्या रहता है कि इसके बीच का जो स्पेस होता है, जो ड्यूरेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, वो वहां पे वेरी करता है, तो वो इरेगुलर ईसीजी होती है। ये रेगुलर
नॉर्मल ईसीजी पैटर्न है, ओके। तो एक तरह से ये एडल्ट नॉर्मल पर्सन की ईसीजी है जिसके अंदर 75 इसकी हार्ट रेट आ रही है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एम्स काफी बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। डायग्नोज द फॉलोइंग ईसीजी, इस ईसीजी को भी आपको डायग्नोज करना है, इसके अंदर हार्ट रेट कैलकुलेट नहीं करना है, इसके अंदर क्या करना है आपको डायग्नोज करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि एट्रियल टेकिकार्डिया है, ऑप्शन बी बोल रहा है एट्रियल फ्लूटर है, ऑप्शन सी बोल रहा है कि एट्रियल फिब्रिलेशन है, और ऑप्शन डी बोल रहा है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, ओके। तो आपको इसको डायग्नोज करना है कि इसके अंदर क्या डायग्नोज हो रहा है, ओके। वन सेकेंड, ओके। ओके, तो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो ईसीजी पैटर्न है इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? एट्रियल टेकिकार्डिया होगा। क्यों होगा? एट्रियल टेकिकार्डिया के अंदर क्या क्या दिखाई देता है यहां पे? हार्ट रेट क्या कैसी होती है? हार्ट रेट रेगुलर होती है। कैसी होती है? हार्ट रेट रेगुलर होती है। और जो हार्ट बीट होती है, देखो जो नॉर्मल ईसीजी होती है, नॉर्मल ईसीजी होती है उसके अंदर जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? 80 to 100 होती है, 80 to 100 होती है। बट अपन यदि एट्रियल टेकिकार्डिया की अपन बात करें तो हार्ट रेट रेगुलर तो होती है, बट यहाँ पे जो हार्ट रेट होती है वो कितनी होती है? मोर देन 100 होती है, 100 से अबो हार्ट रेट वहां पे दिखाई देती है। और नॉर्मल ईसीजी पैटर्न होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एट्रियल टेकिकार्डिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे ये पी वेव बन रही है, क्यू वेव बन रही है, आर वेव बन रही है, एस वेव बन रही है, टी वेव बन रही है, सारा का सारा पैटर्न ठीक है। बट यहाँ पे आपको वेरिएशन क्या दिखाई दे रहा है? इसकी हार्ट रेट ज्यादा है। और कितनी है? यहाँ पे जो लार्ज बॉक्स है वो कितने हैं? 2 है ओनली। और यदि लार्ज बॉक्स को अपन इसी हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं लार्ज बॉक्स से, तो उसको अपन 300 से डिवाइड करेंगे, लार्ज बॉक्स 2 है यहाँ पे, तो इसकी जो हार्ट रेट आ रही है वो कितनी आ रही है? 150 आ रही है। और 150 कितनी है? 100 से अबव है। तो 100 से अबव है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि क्या है वो? एट्रियल टेकिकार्डिया है, ओके। एट्रियल फ्लूटर होता है, उसके अंदर थोड़ा और ज्यादा होता है, एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर और ज्यादा हार्ट रेट बढ़ जाती है, उसके साथ में उसके कुछ और भी वेरिएशन होते हैं जिनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। बट यहां पे आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि एक नॉर्मल ईसीजी पैटर्न होता है उसके अंदर हार्ट रेट बिलो 100 होती है, और यदि जो हार्ट रेट है वो सारा का सारा रेगुलर ईसीजी पैटर्न है और पीक्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी सही से बन रहा है, बट वहां पे हार्ट रेट है वो 100 से अबव हो गई है, तो उसको अपन किसमें कंसिडर करेंगे? एट्रियल टेकिकार्डिया में कंसिडर करेंगे। देखिए यहाँ पे यदि स्मॉल बॉक्स से भी अपन निकालने की कोशिश करेंगे तो स्मॉल बॉक्स कितने हैं यहाँ पे? 10 है, जिसको अपन 1500 से अपन डिवाइड करेंगे 10 को, तो यहाँ पे भी हार्ट रेट कितनी आ रही है? 150 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एट्रियल टेकिकार्डिया है, ओके। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते, डायग्नोस द फॉलोइंग ईसीजी। यहाँ पे भी आपको एक ईसीजी पैटर्न दिखाया गया है, और इस ईसीजी पैटर्न के अंदर आपसे पूछा गया है कि डायग्नोस करिए इसके अंदर क्या ईसीजी पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए बोल रहा है एट्रियल टेकिकार्डिया है, ऑप्शन बी बोल रहा है एट्रियल फ्लूटर है, ऑप्शन सी बोल रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन है, और ऑप्शन डी बोल रहा है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। तो दोस्तों जैसे पिछले क्वेश्चन में अपन ने एट्रियल टेकिकार्डिया देखा था, वैसे ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, बट इसको अपन कैसे डायग्नोस कर पाएंगे, कैसे पता चलेगा अपने को कि इसके अंदर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है? इसके अंदर जो हार्ट रेट है, जो हार्ट रेट है वो कितनी हो जाती है? 120 से लेके 250 तक होती है। कितनी होती है? 120 से लेके 250 तक होती है। और इसके साथ ही साथ यदि अपन बात करें पी वेव की, तो पी वेव यहां पे एब्सेंट होती है, या फिर एब्सेंट बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है, पी वेव एब्सेंट होती है। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो वहां पे वाइड हो जाता है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाता है? यहां पे वाइड हो जाता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाता है। और जो एवी ड्यूरेशन है, या फिर बोल सकते हैं कि एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन हो जाता है इसके अंदर, एट्रियोवेंट्रिकुलर डिसोसिएशन हो जाता है। इस डायग्राम में देखिए, इसको आप समझिए। देखो हार्ट रेट है वो तो इसके अंदर बहुत ज्यादा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो बहुत ज्यादा बन रहा है। इसके बिटवीन जो डिफरेंस है वो सिर्फ एक लार्ज बॉक्स का है, और एक लार्ज बॉक्स से अपन निकाले तो इसकी जो हार्ट रेट है वो कितनी जा रही है? 250 से लेके 300 तक जा रही है, 250 से लेके 300 तक जा रही है। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। सेकंड बात,
हार्ट रेट तो एट्रियल टेके जो एट्रियल टेकिकार्डिया होता है उसके अंदर भी बढ़ती है, और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर भी बढ़ती है। बल्कि आप एट्रियल टेकिकार्डिया और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को कैसे डायग्नोज कर पाएंगे? यानी हार्ट रेट तो दोनों में बढ़ रही है, यानी हार्ट रेट 100 से अबव होना ही क्या है, टेकिकार्डिया है। बल्कि एट्रियल और वेंट्रिकुलर को आप कैसे डायग्नोज करोगे? एट्रियल में क्या रहता है, PQRST, जो इसी से पैटर्न होता है, PQRST, ये सभी की सभी वेव सब वो अच्छी तरीके से बन पाते हैं। बल्कि जो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है इसके अंदर पी वेव नहीं बन पाती है। यहां पे देखिए आपको ये डायरेक्टली QRS कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये यहां पे क्यू है, आर है, ये एस है, ओके, और ये टी बन गया यहां पे, और यहां पे पी वेव बना ही नहीं, उससे पहले डायरेक्टली क्यू वेव बन गया। यानी पी वेव बन ही नहीं पाती है। और पी वेव किससे बनती है? एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन से बनती है। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन से बनती है तो वहां पे पी वेव तो बिल्कुल बन ही नहीं रही है। और वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है क्योंकि इसका जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, वाइड है। यानी एक तरीके से अपन बात करें, इससे प्रीवियसली जो मेरी ईसीजी की क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको समझाया था उसके अंदर कि जो यहाँ पे पी वेव बनती है वो किससे बनती है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन से बनती है, एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन से बनती है, या फिर बोल सकते हैं कि एट्रियल डिपोलराइजेशन से बनती है, डिपोलराइजेशन से बनती है। एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन को अपन डिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। और इसके साथ ही साथ जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है वो किससे बनता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन से बनता है। और जो टी वेव होती है ये टी वेव किससे बनती है, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन से, वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन या फिर बोल सकते हैं कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन से बनती है। तो दोस्तों यहां पे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, यानी वेंट्रिकल्स की जो रेट है, जो हार्ट बीट है वो बढ़ गई है, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किससे बन रहा होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन से बनता है। और वो यहां पे कैसा दिखाई देगा, वाइड दिखाई देगा। देखो यहां पे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो यहां से लेके यहां तक, एक तरीके से बात करें तो इस ईसीजी पैटर्न के अंदर सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ही आपको दिखाई दे रहा है, पी वेव तो यहां पे एब्सेंट है, बनी नहीं रही है। और हार्ट रेट कितनी है, 250 क्रॉस हो रही है, यानी एक तरीके से बोल सकते हैं कि 120 से लेके 250 तक है, हार्ट रेट बढ़ी भी है, तो टेकिकार्डिया है। और यदि पी वेव एब्सेंट है तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, और पी क्यू आर एस टी सभी के सभी वेव्स वहां पे प्रेजेंट है तो अपन बोल सकते हैं कि क्या है, वहां पे एट्रियल टेकिकार्डिया है। तो मैं भी इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डायग्नोज द फॉलोइंग ईसीजी, इसको भी आपको डायग्नोज करना है कि ये यहाँ पे क्या पूछा गया है। एक ईसीजी पैटर्न आपको दिया गया है और इसके अंदर पूछा गया है कि जो डायग्नोज करना है, यहाँ पे डायग्राम में दिया हुआ एट्रियल टेकिकार्डिया है या एट्रियल फ्लूटर है या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन है या फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। तो दोस्तों वेरी सिंपल, ये एट्रियल फ्लूटर है। यहाँ पे देखिए जो पहले अपन ने जो पैटर्न देखे थे उससे इसमें डिफरेंट क्या है, अपन ने देख लिया था एट्रियल टेकिकार्डिया देख लिया था, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया देख लिया था। अब ये एट्रियल फ्लूटर, यानी अपन वेंट्रिकल्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एट्रियल की बात कर रहे, फ्लूटर का मतलब होता है उससे भी ज्यादा रेट बढ़ गई है। और जब रेट ज्यादा बढ़ जाती है, देखो हार्ट है वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करता है, लब डब, बट यदि इसकी स्पीड बढ़ती है तो लब डब, ये क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। बल्कि ये और ज्यादा बीट करेगा तो इसका जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन है वो कम होता जाएगा, और जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम होता है तो उसको अपन फ्लूटर बोलते हैं, इसी तरीके से होगा। और जब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन कम होता है तो क्या होता है दोस्तों, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि हार्ट का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन नहीं हो पाता है जब रेट बढ़ जाती है, यानी हार्ट की जो रेट बढ़ती है, जब रेट इंक्रीज होती है तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन डिक्रीज हो जाता है। यानी जब हार्ट धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होगा, धीरे धीरे बीट करेगा तो फुली कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट जब वो स्पीड से बीट करेगा तो क्या होगा, फुली वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा तो जब कॉन्ट्रेक्शन नहीं होने से कार्डियक आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये यहां पर डायग्नोस करेंगे अपन एट्रियल फ्लूटर को, बल्कि अपन यहां पे समझेंगे कि एट्रियल फ्लूटर क्यों है ये। ओके, यहां पे जो रेट होती है इसकी वो कितनी हो जाती है, 230 से लेके, या फिर बोल सकते हैं कि जो हार्ट की जो रेट है वो 250 से लेके 300 तक हो जाती है, 250 से 300 बीट पर मिनट हो जाती है। क्लियर है, इसकी हार्ट रेट बढ़ गई। बिकॉज यहां पे आप देखिए ये जो स्मॉल वाले बॉक्स है वो कितने बन रहे हैं, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, सिर्फ 8 स्मॉल बॉक्स बन रहे हैं। और इसको अपन फिर
1500 से यदि 8 को अपन डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे कितना आ गया, ये एक तरीके से 750, 350, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि ये कितना आ रहा है, बहुत ही कम आ रहा है यहाँ पे। एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत ही कम आ रहा है, इसकी जो हार्ट रेट है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है, 250 से लेके 300 तक जा रही है इसकी, यानी ये 6 ही है, ओनली यहाँ पे 6 ही स्मॉल बॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ और क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो इसकी एट्रियल रेट और वेंट्रिकुलर रेट है उसमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो ये 250 से लेकर 300 तक है ये क्या है, ये एट्रियल रेट है, और जो वेंट्रिकुलर रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। देखिए एट्रियल फ्लूटर को आपको चेक करने का एक तरीका होता है कि जो एट्रियल रेट है वो वेंट्रिकुलर रेट से कितनी हो जाएगी, वहां पे दुगुनी हो जाएगी, यानी इसका जो रेशियो होगा अपन एक तरीके से बात बोल सकते हैं कि एट्रियल रेट रेशियो, वेंट्रिकुलर रेट अपन बात करें तो 2:1 हो जाएगा। 2:1 जैसी सिचुएशंस दिखाई देगी तो उसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रियल फ्लूटर बोलते हैं। ओके, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे एग्जाम के अंदर बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा जाता है कि सो टिथ पैटर्न किस प्रकार के ईसीजी चेंजेस में या किस प्रकार की क्लिनिकल कंडीशंस के अंदर ईसीजी में शो होता है। सो टिथ पैटर्न जैसे दांत होते हैं, टिथ होते हैं, उस टिथ की तरह यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जब टिथ होते हैं ऊपर नीचे हुए जो टिथ रहते हैं उसके पैटर्न के अंदर ईसीजी दिखाई देती है, तो वो किस में दिखाई देती है दोस्तों, वो एट्रियल फ्लूटर के अंदर दिखाई देती है। जरूरी नहीं है आपको ईसीजी के क्वेश्चन दिया हुआ है, डायरेक्टली कई बार एम्स डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि सो टिथ पैटर्न ईसीजी किस में दिखाई देती है, तो आपका आंसर क्या होगा वहां पे, एट्रियल फ्लूटर में दिखाई देगी। ओके, नो डाउट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेम उसी सीडी पे अपन आगे बढ़ते हैं। डायग्नोस द फॉलोइंग ईसीजी, इसमें भी डायग्नोस करना है आपको। और यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है कि एट्रियल टेकिकार्डिया है, ऑप्शन बी बोल रहा है एट्रियल फ्लूटर है, ऑप्शन सी बोल रहा है एट्रियल फिब्रिलेशन है, और ऑप्शन डी बोल रहा है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ओके तो दोस्तों अपने को यहाँ पे डायग्नोस करना है कि क्या डायग्नोसिस है यहाँ पे, तो इसके अंदर दिया हुआ है वो है एट्रियल फिब्रिलेशन, यानी करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी एट्रियल फिब्रिलेशन है। बल्कि फिब्रिलेशन है वो एट्रियल फ्लूटर से डिफरेंट कैसे, देखो यहाँ पे जो ईसीजी पैटर्न है इसमें भी थोड़ा थोड़ा शॉर्ट पैटर्न जैसा दिखाई दे रहा है, बट फ्लूटर से इसमें क्या डिफरेंस है जिससे कि आप डायग्नोस कर पाएंगे आपकी फ्लूटर और इसके अंदर आप कंफ्यूजन में नहीं होंगे। दोस्तों जो पिछला अपन ने डायग्नोस किया था एट्रियल फ्लूटर, उसमें पी वेव प्रेजेंट होती है, बल्कि पी वेव प्रेजेंट होती है फ्लूटर के अंदर, बल्कि जो एट्रियल फिब्रिलेशन होता है इसके अंदर पी वेव कैसी होती है, यहाँ पे एब्सेंट होती है। इसके अंदर पी वेव होती है वो एब्सेंट होती है, इसके अंदर पी वेव है वो नहीं बन पाती है। और जो एट्रियल एक्टिविटी होती है, जो एट्रियल एक्टिविटी है वो अनकोऑर्डिनेटेड हो जाती है, किसके साथ, वेंट्रिकल्स के साथ, एट्रियल अनकोऑर्डिनेटेड अनकोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, अनकोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी, यानी एक तरीके से अनकोऑर्डिनेटेड का मतलब होता है जब एट्रियम बोलता है वेंट्रिकल को कि भाई जब मैं कॉन्ट्रैक्ट हूं तो आपको रिलैक्स होना है, और जब आप कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो मैं रिलैक्स होऊंगा, ये उनकी एक मिली भगत है, और इसके अकॉर्डिंग वो कार्डिक आउटपुट बढ़ाते हैं। यानी इधर से एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, एट्रियम रिलैक्स हुआ, ये इसी तरीके से लब डब चलता रहता है। अब अनकोऑर्डिनेटेड में क्या होता है, वो तो कोऑर्डिनेटेड था उनका क्योंकि वो कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अनकोऑर्डिनेटेड में बोलेगा जब एट्रियल कॉन्टेक्ट हो रहा है तभी वेंट्रिकल्स कॉन्टेक्ट हो रहे हैं, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे तभी एट्रियल रिलैक्स हो रहा है। और इस तरह के पैटर्न का अपने को ईसीजी में कैसे पता चलेगा, देखो जब एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन गया तो एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेके, या फिर बोल सकते कि एक आर वेव से दूसरी आर वेव के बिटवीन यहाँ पे एक सो टिथ पैटर्न दिखाई देगा जिसके अंदर किसी प्रकार की कोई वेव नहीं होती है, वो कोई ना तो पी वेव डिटेक्ट होती है वहां पे, ना ही टी वेव डिटेक्ट होती है। यहाँ पे देखिए पी और टी होती है, उसी तरीके से बहुत सारी वेव्स बन रही है, और वो वहां पे किसको शो करती है कि वहां पे अनकोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज हो रही है, किसकी, एट्रियल एंड वेंट्रिकल्स की। तो इस प्रकार से आप डायग्नोस कर पाएंगे कि एट्रियल ये फिब्रिलेशन है, और इसके साथ ही साथ जो इसकी हार्ट रेट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे, है ना। ओके, तो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, इसको आप डायग्नोस कर लेंगे, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एम्स का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है,
एम्स सबसे ज्यादा इस क्वेश्चंस को पूछता है। हालांकि इसके साथ सिंपली मैंने क्वेश्चन में ये डाला है कि इसको आपको डायग्नोस करना है, बल्कि ईसीजी का पैटर्न देके उसके बारे में और भी कुछ पूछ लेता है वो। बल्कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है यहाँ पे, और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में दोस्तों बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है वो पूछता है। ओके, तो इसको अपन देखते हैं। डायग्नोस द फॉलोइंग ईसीजी। ऑप्शन ए बोल रहा है एट्रियल टेकिकार्डिया है, ऑप्शन बी बोल रहा है एट्रियल फ्लूटर है, और ऑप्शन सी बोल रहा है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, और ऑप्शन डी बोल रहा है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। तो आपको डायग्नोस करना है, सिंपली ईसीजी दी हुई है और ईसीजी के अंदर पैटर्न को आपको समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे ना तो कोई पी वेव बन रही है, ना यहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और ना ही यहाँ पे टी वेव बन रही है। यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, एक प्रकार से एक अलग ही प्रकार का यहाँ पे वेव बन रही है। एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि कोई रेगुलर वेव नहीं है। अब तक अपन ने जो भी ईसीजी पैटर्न देखे थे वो सारे रेगुलर थे, बल्कि यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या रहता है, इरेगुलर ईसीजी पैटर्न रहता है, इरेगुलर ईसीजी पैटर्न होता है। कैसे पता लगाएंगे कि इरेगुलर है? दोस्तों जो भी वेव बनती है एक फिक्स या फिर एक फिक्स ड्यूरेशन के बाद दोबारा रिपीट होता है तो वो रेगुलर होता है। बट यहाँ पे देखिए जो वेव है वो किधर से ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, तो इसके बीच का जो ड्यूरेशन है वो सेम नहीं है, तो इसलिए अपन इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ये क्या है, इरेगुलर ईसीजी पैटर्न है। साथ ही साथ यहाँ पे पी वेव बनती नहीं है, जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है वो भी यहाँ पे बनती नहीं है। हालांकि बनती है, बल्कि इनको अपन यहाँ पे डायग्नोस नहीं कर पाते, या फिर बोल सकते हैं कि यहाँ पे अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। यानी एक तरीके से आपको पूछा जाए कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में क्या दिखाई देता है, तो पी वेव है वो तो वहां पे क्या रहती है, एबसेंट होती है, और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव ये दोनों प्रेजेंट बट नॉट डायग्नोस्ड, इनको अपन डायग्नोस नहीं कर पाते, इनको अपन डायग्नोस है वो नहीं कर पाते, या फिर नॉट आइडेंटिफाई। एक तरीके से डायग्नोस ना बोल के इनको अपन आइडेंटिफाई बोलेंगे, आइडेंटिफाई यानी होते तो है बल्कि उनको अपन पहचान नहीं पाते हैं। देखिए यहाँ पे बन रहा है, जैसे ये बन रहा है यहाँ पे, बल्कि ये टी वेव बनी है या फिर क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बना है, इसका अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। बल्कि इसी प्रकार का एक पैटर्न तो बनता है, बल्कि यहाँ पे पी वेव एबसेंट होती है। ये जरूर फिक्स है कि पी वेव जरूर वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। और इसकी यदि अपन रेट की अपन बात करते हैं, इसकी रेट की बात करते हैं, इसके अंदर जो हार्ट रेट होती है वो 150 से लेके कितने तक रहती है, ये 500 तक चली जाती है। जो इसकी हार्ट रेट है वो कितनी होती है, 150 से लेके 500 तक होती है। क्योंकि दोस्तों देखो इस एक से दूसरे के बीच में कुछ स्मॉल बॉक्स का ही डिफरेंस है, सिर्फ स्मॉल बॉक्स का ही अंतर है। तो स्मॉल बॉक्स अपन एक दो होते जिनको आप डिवाइड करोगे, मान लो 1500 से आप डिवाइड करते हो, तीन या चार बॉक्स भी मिलते हैं, तो ये जो हार्ट रेट है वो 400 के समथिंग आती है। तो इसी प्रकार से बहुत ज्यादा हार्ट बीट करता है इसके अंदर, और कार्डिक आउटपुट है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके डन, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे ईसीजी पैटर्न सेम है जो पहले दिया हुआ था, सेम वही ईसीजी पैटर्न है, इसके अंदर कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे पूछा क्या गया है, ड्यूरिंग सीपीआर मॉनिटर, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है ड्यूरिंग सीपीआर मॉनिटर, जब एक पेशेंट को आप सीपीआर कर रहे हो, और सीपीआर जैसी सिचुएशंस कब होती है, सीपीआर जैसी सिचुएशंस तब होती है जब कार्डिक आउटपुट बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, पेशेंट का जो हार्ट है वो फेल हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है, तो अपन उसको सीपीआर देते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रेसुसिटेशन करते हैं उसको। और जब करते हैं तो वहां पे ईसीजी फाइंडिंग इस तरह की दिखाई देती है, यानी एक तरह से बोल सकते हैं कि सीपीआर करने के बाद हालांकि पेशेंट इंप्रूव होना चाहिए, बट सीपीआर करते हुए भी ऐसा जब ईसीजी पैटर्न मिलता है तो आपको क्या करना चाहिए। यानी आप किसी पेशेंट को सीपीआर कर रहे हो, आपके पास एक ही प्रायोरिटी है कि पेशेंट का हार्ट काम नहीं कर रहा और आप सीपीआर कर रहे हो, और सीपीआर करने के बाद भी ऐसी ईसीजी आती है, मींस यहाँ पे जो ईसीजी पैटर्न है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन दिखाई देता है। यानी ये क्या है, वीटी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, वीएफ है, सॉरी वीएफ है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, तो आपको क्या करना है। ऑप्शन ए बोल रहा है इंजेक्शन एड्रिनलिन 1 mg अपन स्टेट दे देंगे उसको, ऑप्शन बी बोल रहा है इंजेक्शन अपन कार्डारोन देंगे, ऑप्शन सी बोल रहा है डिफेब्रिलेट करेंगे पेशेंट को, और ऑप्शन डी बोल रहा है इंजेक्शन कैल्शियम ग्लूकोनेट दे देंगे। तो दोस्तों आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का ट्रीटमेंट क्या है, सिर्फ डिफेब्रिलेट करना।
डिफेब्रिलेट करना। हालांकि पहले आप सीपीआर से सांस ले सकते हो, बल्कि सीपीआर प्लस डिफेब्रिलेट देना होता है, और सीपीआर के बाद भी ऐसा ईसीजी पैटर्न आपको दिखाई देता है तो आपको डायरेक्टली मैक्सिमम एनर्जी से डिफेब्रिलेट करना है उसको, मैक्सिमम एनर्जी उसके साथ उसको क्या करना है, डिफेब्रिलेट करना है। ओके, तो अपन ने देखे यहां पे 7 क्वेश्चन देखे यहां पे, बल्कि ये 7 क्वेश्चन है, इनमें से आप ऑलमोस्ट मान के चल सकते हैं कि एग्जाम में एक सिंगल क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ओके, तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, और यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो इस तरह के ईसीजी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं आगे का एक वीडियो और बना के डालू आपके लिए यदि हेल्पफुल है तो, और हेल्पफुल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।